सो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋतिक डॉग चैनल। और गाइस सबसे पहले थैंक यू सो मच 400 के करवाने के लिए, और रोक के बर्थडे पे करवा दिए 400 के, इसके लिए और भी ज्यादा थैंक यू। रोको थैंक यू कहता सबको, लो भाई से ने भी थैंक यू कह दिया। और गाइस आज होने वाला ब्लैक किंग रिवील, जैसे कि जी मैंने कहा था रोक के बर्थडे पे ब्लैक किंग को रिवील कर देंगे अगर 400 के हो गए। और गाइस सुबह सुबह रोक के बर्थडे पे अपना छोटा पैकेट आ गया, रोक को हैप्पी बर्थडे बोलना है। रोको हैप्पी बर्थडे कह रहा था जो। तो गाइस अब एक बार गौशाला में चलता हूं, गौशाला में आने के बाद फिर ब्लैक किंग को दिखाऊंगा, या फिर अभी थोड़ा सा दिखाता हूं ब्लैक किंग को। सामने वो बैठा अपना ब्लैक किंग चीता, जिसके लिए इतने कमेंट आते रहे। चिंकी आ गई बीच में, चिंकी कह रही मैं भी हूं। और गाइस थोड़ी देर में ब्लैक किंग के कारनामे दिखाऊंगा, अभी तो बैठा हुआ बिल्कुल ऐसा लग रहा जैसे पता नहीं कितना सीधा। थोड़ी देर में देखना इसके कारनामे, देख के बिल्कुल यही कहोगे दूसरा रेड किंग ही है। तो गाइस आगे फाइनली गौशाला में, बट भाई अंदर तो कोई है ही नहीं, हमें लेकर जाना पड़ेगा। पकड़िए रे उस साइड से पकड़, आ जा चलो चलो। और गाइस ये देखो गाय के साथ साथ कबूतर भी लगे पड़े घास खाने, सारे के सारे लाइन लगा के लग रहे थे। ये तो भाई सीन बन गए, गाय सामने गिर गई, बुला के ला रहे एक बार जल्दी किसी की, चोट तो लगी होगी इसके, कोशिश तो करे ला। बस 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 बस। तो गाइस अभी फाइनली वो गाय निकाल दी, बहुत ही मुश्किल से निकली। अब चलता हूँ बंदरों के पास, बंदरों को और खाना खिला करता हूँ। वैसे भाई बंदर तो थोड़ी है, हम केले ज्यादा लेके आ गए, 7-8 ही बंदर है, आगे को और देख लेंगे मिले क्या। और एक इस वाले बंदर का मुंह देखो भाई कैसा, ऊपर तक बिल्कुल फुल हो रहा, अरे वाह एकदम ही कैच करे। लो भाई सामने से पूरी की पूरी गैंग वाली, पूरी स्पीड सारी भागी भागी। थोड़ी देर पहले मैं ये कह रहा था ना कि कमी है बंदर, वे वाली लाइन लगा के अब कोई दिक्कत नहीं है, बंदर ही बंदर आगे ले। और रहो भाई, ओ भाई ओ भाई यार नो ना करो, खा ले ले खा ले खा ले खा ले। सामने से और आन लग रहे, निकल निकल गए, वे आन लग रहे, जल्दी आओ, छोटे छोटे आन लग रहे भागे भागे। अरे वाह कितने ज्यादा क्यूट लग रहे, तीनों के तीनों सेम एज के हैं। तो कई सभी घर पाते, सबसे पहले अपनी मिंकी रानी की पट्टी चेंज करी। और कई आज इसका थोड़ा सा आराम है, ज्यादा तो इसका आराम लग नहीं रहा, बट भाई थोड़ा सा आराम है आज इसके। और गाइस मिंकी को देखो पट्टी चेंज करवाते, बाहर गली में जा ली, चिंटू के पास जाके लेट गई। मिंकी यहाँ के बैठी तू, चल घर चल, इसको भाई बाहर गली में घूमने का मन करे, जंगली होगी ना। सामने वो बैठा बड्डे बॉय जोरा के पास, ब्लैकिंग पता नहीं कहाँ जा लिया, ब्लैकिंग शायद ऊपर है, ऊपर से लेकर आता हूँ उसे। रोको कहाँ है ब्लैकिंग। तो गाइस अभी अपना ब्लैकिंग चीता अभी आ गया, अभी से लेकर चलता हूँ अंदर कैनल में, फिर दिखाऊंगा इसके कारनामे। और गाइस कैनल के अंदर आते पूरा एक्टिवेट हो जा, इसे सामने रस्सी दिख रही ना, नु कह रहा बस जल्दी से ग्रिप लगवा दो, बिल्कुल पूरा एक्टिवेट हो जा। ये देखना भाई कैसा कर रहा, मेरा सहारा ले रहा कि मेरे पैरों पर कुछ चढ़ जाएगा, ब्लैकिंग मेरे पैरों पर कुछ चढ़ेगा, ले आजा आजा ले ग्रिप लगा ले। ये देखना भाई कितनी कैडी ग्रिप लगा हुए। और गाइस थोड़ी देर में ये देखना कैसा चिंगाड़ागा, जैसा रेड किंग चिंगाड़ा करता बिल्कुल सेम ऐसे ही चिंगाड़ागा, वो होगी इसकी चिंगाड़ शुरू। मेरे साथ एक सारे डॉग्स ग्रिप लगाते हुए पीछे हटता, बट भाई वो नहीं हटता, इसके अंदर तो इतना ज्यादा करंट है, करंट भी यार स्टेमिना भी है। मेरे सारे डॉग्स एक तरफ हो जा, हरियो अकेला एक तरफ हो जा, इतनी ज्यादा पावर है इसके अंदर छोटे से के अंदर ही। और गाइस बस ग्रिप ग्रिप नहीं, इसकी सारी की सारी हरकत रेड किंग वाली है, डंडी के पीछे ऐसे ही भागा जैसे रेड किंग भागा करता। एक बार भाई इसका लो कटवा दे फिर दिखाऊंगा कैसा भागा डंडी के पीछे। कभी कभी तो इसके अंदर का गुस्सा देख कैसा लगे जैसे रेड किंग से भी ऊपर जाऊंगा। ये देखना भाई डंडी के पीछे कैसा भागेगा, डंडी के पीछे बांधी पन्नी जैसे रेड किंग करता बिल्कुल सेम ऐसे ही करेगा, घुमाइए रसा गोल गोल घुमा। अभी वैसे इसका सारा ध्यान ऊपर है, इसमें ग्रिप लगवा रखी थी ना। और गाइस फोकस देखो इसका, सारा का सारा ध्यान पन्नी के ऊपर है, उत्तरी पकड़ लिया एक ही झटके में पकड़ लिया खत्म। और गाइस अब इसका ज्यादा जोर नहीं लगवाता, दोपहर हो रही शाम के टाइम करवाऊंगा इसके एक्सरसाइज। जो इसका भाई था रेड किंग वो तो बिल्कुल ही रेड किंग के ऊपर था, बड़े वाले रेड किंग के ऊपर, बस इसका थोड़ा सा कलर चेंज है, बाकी ब्लड तो इसके अंदर भी रेड किंग वाला ही है। अब भाई दोपहर में थोड़ी बहुत देर सोगा यो भी, और बाकी डॉग्स भी सो गए। कोको अपनी लेटरी छपकली बन का रोक वो लेटर वहां पे A few inches later. तो गाइस शाम होगी थोड़ी बहुत देर में खेत में चलेंगे, और गाइस आज सोच रहा अपने ब्लैक किंग को लेकर चलेंगे खेत में, ब्लैक किंग को और रोक को। ब्लैक किंग बिल्कुल मेरे काबू में आ गया, जो मैं चाहूँ वही करवा सकूँ इस पे। ये देखना भाई दीवार पर चढ़वा दूंगा, ब्लैक किंग दीवार पर चढ़ जा। ये देखना भाई उत्तरी नीचे गिर गया, बाहर निकल गए, नीचे कूद जा, दोबारा से चढ़ जा, ब्लैक किंग दोबारा से चढ़ जा। ये देखना भाई बिल्कुल ही मेरे काबू में आ गया, सामने मैं लकड़ी दिखा रहा ना, लकड़ी के सहारे मैं इस पर कुछ भी करवा सकूँ। ब्लैक किंग यहाँ कूद जा, ये वाला टास्क थोड़ा सा मुश्किल है, उत्तरी गिर गया नीचे गिर गया। ब्लैकिंग केज के ऊपर चढ़ जा, जल्दी आ पीछे से जल्दी आ, अरे वाह चढ़ तो गया और पकड़ भी लिया। लो भाई सिम्बा के साथ ब्लैकिंग की लड़ाई होगी, वैसे तो भाई मजाक मस्ती में ही हो रही, सारे दिन ऐसे ही लड़े जावे, ब्लैकिंग की सबसे ज्यादा सिम्बा के साथ ही बने। अब देखना भाई कैसे रेल बना देंगे इसकी, वो भाग गया सिम्बा गया। तो गाइस आगे रोक को लेकर खेत में, और गाइस ब्लैकिंग को देखो इसका पट्टा ही पकड़ रहा, ब्लैकिंग तो घुमाओगा कैसे, ब्लैकिंग नु कह रहा आज रोक को मलामा घुमा के, दोनों के दोनों मस्ती कर रहे, एक साइड रोक लग गया, अरे वाह। और गाइस आज रोक के साथ साथ ब्लैकिंग का और खतरा हो रहा, अगर सामने से कोई अननोन डॉग दिख गया रोक तो भाग गई भागेगा, ब्लैकिंग भी भाग जाएगा, ब्लैकिंग भी ऐसा ही है। अब भाई रोक और ब्लैकिंग को लेकर आगे चलता, दोनों की रनिंग करवाता तो वही लेके चलूंगा, यहाँ पर थोड़ा खतरा है डॉग्स वगैरह ना आ जा। चल ब्लैकिंग बहुत अच्छे, ब्लैकिंग जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, देख रोक जा रहा है, भागा भागा रोक काफी आगे जा लिया, ब्लैकिंग थोड़ा छोटा हो गया ना। चल ब्लैकिंग देख चिंटू भी निकल गया, जल्दी आ जल्दी आ,
और गाइस स्टैमिना में सभी को हरा सके हो। तो गाइस अब इनके रनिंग करवाते करवाते अपने 12 आ गए, ब्लैकिंग यो खड़ा और रोक शायद पीछे जा लिया। और गाइस अब ब्लैकिंग की थोड़ी सी एक्सरसाइज करवाता हूँ, जैसा हम रेड किंग की करवाया करते डंडी का आगे कपड़ा बांध गए और वो उसके पीछे भागा था। और गाइस जब मेरे पास ये छोटे छोटे पप्पीस थे, इनमें से जो रेड क्वीन थी वो ज्यादा भगक रही थी ऐसे, अरे पकड़ी लिया। तो गाइस अब एक रस्सी मिल गई, एक साइड रोक लग गया, एक साइड ब्लैकिंग लग गया, दोनों के दोनों इसी में कर लेंगे अपनी एक्सरसाइज। चिंटू तू भी लग जा, ए वो लग गया चिंटू भी, बीच में चिंटू साइड में ये दोनों, किसा भोक रहा सामने देख रहा किसी को, कौन है चिंटू, चिंटू कौन है। और गाइस ब्लैकिंग को अब से ठीक 10 दिन बाद बिल्कुल रेगुलर दिखाना शुरू कर दूंगा, जैसे अपने बाकी डॉग्स को दिखाऊं मैं। वैसे तो भाई दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट भाई फिर भी एकदम से ज्यादा दिखाना ठीक से नहीं है, क्या पता बेचारे के इसका भी नजर लग जा। अभी एकदम से इसकी रोज रोज वीडियो नहीं डालने का, रेड किंग की एक आखिरी निशानी मेरे पास ही हुई बच रहा ब्लैकिंग। वैसे तो भाई मैंने एक बार को ये सोची थी ब्लैकिंग को वीडियो में लाऊं ही ना, इसे वैसे पल्लू निशानी के तौर पे, बट भाई फिर सोचा जो जो रेड किंग सा लगाओ करे सब ब्लैकिंग को देखना चाह रहे थे, इसीलिए मैं ब्लैकिंग को लेकर आया, वरना भाई मेरा बिल्कुल मन नहीं था वीडियो में लाने का। और गाइस अगर ब्लैकिंग का भाई रेड किंग होता उसकी हाइट अभी तक काफी हो जाती, क्योंकि भाई वो इनमें सभी में लंबा था, ब्लैकिंग थोड़ा इनमें सभी में छोटा था हाइट में। वैसे भाई सारे पप्पीस में नेचर तो ब्लैकिंग का ही था बड़े वाले रेड किंग के जैसा, छोटे वाला रेड किंग तो खैर कुछ ज्यादा खतरनाक था, उसके सामने तो कैसे ही डोगा जा छोटा बड़ा सभी के ऊपर एग्रेशन कर रहा था, सीधा अटैक कर देता खत्म। ब्लैकिंग का नेचर शुरू से ही बड़े वाले रेड किंग के जैसा था, जब तक इसे कोई कुछ नहीं कहता यो किसी को कुछ नहीं कहता, है तो पूरा खतरनाक बट भाई टाइम आने पे बने, समझ रहे हो। लो भाई रोक तो थका रखा यहाँ पे बैठ गया, ब्लैकिंग वहां घूम रहा, ब्लैकिंग सारी चीजों को देख रहा खेत की, बस और थोड़े दिन की बात है, थोड़ा सा और बड़ा हुआ फिर रोक के साथ पैदल पैदल लेकर आया करेंगे दोनों को। बड़े वाले रेड किंग के साथ तो रोक की दोस्ती थी नहीं, बट भाई ब्लैकिंग के साथ बढ़िया दोस्ती करवाते हुए लेकर चलेंगे शुरू से ही। और गाइस रोक को बैठा लिया बाइक पे, ब्लैकिंग की रनिंग करवाते हुए लेकर चलेंगे, चलो ब्लैकिंग चल बेटे। और गाइस ब्लैकिंग की रनिंग करवाते हुए बिल्कुल वही वाली फील आ रही जैसे रेड किंग की रनिंग करवा रहे हो, क्योंकि भाई रेड किंग की भी हम इसी टाइम रनिंग करवाए करते थे, पीछे अपना चिंटू क्या लग रहा भागा भागा, चल ब्लैकिंग बहुत बढ़िया आजा आजा आजा, ब्लैकिंग पूरी स्पीड से भागा हुआ चिंटू के साथ भागता हुआ बढ़िया लग रहा, बड़े वाले रेड किंग का सभी को पता चिंटू के साथ कितनी कैडी दुश्मनी थी, और गाइस ब्लैकिंग को देखो कितनी अच्छे से भाग रहा है इसके साथ बॉन्डिंग बना के बढ़िया। और गाइस घर पाते आते चिंटू की खतरनाक वाली लड़ाई होगी थी, इसका होलिया देख कर समझ ही गए होंगे। और एक से देखो ब्लैकिंग को आते लग गया, ब्लैकिंग नहीं चारों के चारों ही हरा हुआ, चारों के चारों एक ही जगह पर लग गए, रोक तो मान जा तेरा बड्डे आ जाके काटेंगे, रोक तो इनके साथ ग्रिप में लग गया, नो कह रहा था मैं काट लो के, वो तो भाई सुपर है कोई सा भी डॉग ग्रिप लगाता हूँ आपस में लड़ाई नहीं करता, चारों का ध्यान बस इस रस्सी के ऊपर है, चारों के चारों रस्सी में लगे पड़े एक दूसरे का गलती से भी दांत नहीं मारते, चिंकी और चिंटू पीछे से न रोक रहे, नो कह रहे बस हट जाओ। तो गाइस अब एक एक करके सारे के सारे हट गए, ब्लैकिंग अभी तक लगा पड़ा, अब रोक का कटवाते हैं केक। और गाइस भगत जी दो केक लेकर, एक तो हो गया अपने 400 के का और एक हो गया रोक के बड्डे का, रोक है पर रोक और लेकर आता हूँ। लो खा लो खा लो, सारे के सारे खा लो, सारे के सारे एक ही जगह लग गए केक खाण, लो खा लो खा लो। ले भाई चिंकी तेरा थोड़ा हम मुंह पे भी लगा दूं, ले भाई को कोरानी केक खा ले, ले खा ले खा ले, अरे केक खा ले ओए ओए उतरी ओ र र र, अरे केक खाना था इसने तो भाई सीधा से पकड़ लिया, ले केक खा ले टोको, अरे केक खा ले उतरी, या तो भाई गुस्से में आ गई, अरे ले केक खा ले, ले चिंकी खा ले ओए ओए मेरी मुंह में खा दी अब भी तो शांत हुई, अरे केक खा के सीधी सी में लग गई। रोक्सी बिचारी अंदर से चिल्लाने लग रही है, भाई रोक्सी तू पिल्ला को और खा ले अपने, ओए ओए मेरी उंगली मत खाइए। और गाइस पटाखे फोड़ने का प्लान हो गया बिल्कुल कैंसिल, रोक बेचारा डर सीगा, वो तो भाई हमने ज्यादा पटाखे वटाखे फोड़े नहीं, ज्यादा क्या थोड़े भी नहीं फोड़े, रोको क्यों बैठा तू यहाँ, रोक बेचारा डर गया पटाखे नहीं फोड़ते क्या फायदा, बड्डे बॉय बेचारा डर गया, पटाखे सारे फिर कभी काम आ जाएंगे, थोड़े दिन बाद मेरे दोस्त की शादी है या फिर उसमें फोड़ लेंगे, रोको बस पटाखे ना फोड़ रहे, आजा 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 बेटे बाहर आजा। और गाइस सबसे ज्यादा खुश कोको हो रही पटाखे फोड़ने से, रोक तो डर है बट भाई कोको पूरी खुश हो जा, बार बार अभी कह रही गेट खोल दर पटाखे फोड़ो, और भगत जी पटाखे फोड़ने का प्लान हो गया बिल्कुल कैंसिल, एक बिना फोड़ दिए। तो गाइस अभी माई कहले के ओनर को छोड़ने जा रहे थे, और गाइस सामने देखो बंदूक ले लेके जान लग रहे, क्योंकि भाई रास्ता थोड़ा सा खतरनाक है, और गाइस नकली की बंदूक है कोई असली की बंदूक नहीं, मुंह भुग जाएगा ना करो देख क्या दे वो इनका टायर भुग जाएगा, टायर भुग जाएगा, अरे वाह टायर भुग जाएगा उनका, उसका टायर पना मारियो वो बच्चे Thank you.
एक बार ब्रो कुछ कर दे भाई, एक टू तो गाइस अभी खापी का सारे के सारे लेट गए। और एक से देखो सिम्बा को कैसे फरस पे लेट रहा। सिम्बा बहुत ही कम कंबल पे लेटा है, यो फरस पे लेटा है, इसके लंबे लंबे बाल हो गए ना। और गाइस आज का व्लॉग एंडिंग है पे करता हूं, वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और गाइस लाइक करें, सब्सक्राइब और कर देना।